तो दोस्तों वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ज़बरदस्त अपडेट है दोस्तों। कई सारे उम्मीदवार हैं जिनको एक तरफा वोट मिला है इस सातवें चरण के अंदर एएमएम के उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, और भी कई सारे अपडेट है, आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एएमएम का क्रेज़ है। पतंग की जगह पर साइकिल का बटन दब गया था एक साहब से। एएमएम के ये इतने बड़े चाहने वाले थे कि इन्होंने जो है उस गलती की वजह से अपना उंगलियां जो है वो काट ली दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एआईएमआईएम के क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मुस्लिम ही नहीं हिंदू भाई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब में हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, इसीलिए इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। ये साहब है मनोज वर्मा, ये हिंदू भाई होकर भी असद साहब की काबिलियत को पहचान रहे हैं। इसके अलावा ये असद साहब खुद कहते हैं कि हिंदू भाइयों पर अगर जुल्म होता है और अगर वो मुझे फुकारेंगे तो मैं दौड़ा चला जाऊंगा चाहे कहीं पर भी होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो इससे असद साहब के अंदर भी किस तरीके से एक रिस्पेक्ट है हिंदू भाइयों का, उसको लेकर भी बखूबी आप देख सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि असद साहब के उम्मीदवारों का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि असद साहब खुद जो है इस चीज़ को ट्वीट करके कहते हैं कि आज़मगढ़ के अंदर जो है एक साहब शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब, इनके ऊपर हत्या का जो है कोशिश की जाती है, और इससे आपको पता चलता है कि एमआईएम के क्रेज़ कितना ज़्यादा है। ये वही गुड्डू जमाली है, मैं आपको बता दूं कि जिनको जो लगातार दो बार से जो है मुबारकपुर के विधायक है और तीसरी बार जो है एआईएमआईएम के प्रत्याशी बने हैं और ये विधायक बनने जा रहे हैं एमआईएम की पार्टी से। जब आज़मगढ़ में सीएनआरसी का मामला उठा था तो गुड्डू जमाली ही सबसे पहले आगे आए थे। ईमानदारी की बात करेंगे तो उसमें भी सबसे आगे है, और आज भी विधायक की सैलरी गरीबों में वो बांट देते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा उनका क्रेज़ है और कितना शिद्दत के साथ वो मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा हम बता दें दोस्तों कि दो उम्मीदवार ऐसे हैं, एक तो शाह आलम जो कि मुबारकपुर से है, मैं आपको बता दूँ कि इनको बहुत ही ज़्यादा वोट मिला है और एक तरफा वोट कह सकते हैं इनको मिला है, और ये तीसरी बार विधायक जो है एमआईएम की पार्टी से बनेंगे, ये बात भी कंफर्म मान लेनी चाहिए, ऐसे बातें हो रही है, यानी ज़बरदस्त तरीके से इनको वोट पड़ा है दोस्तों। इसके अलावा एक और हरीश मिश्रा जी जो कि बनारस वाले मिश्रा जी है, बनारसी नॉर्थ से जो है ये उम्मीदवार बनाया है, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वोट इनको भी मिला है। विनय दुबे तक ने जो है इनके लिए रिक्वेस्ट किया है, इनके समर्थन में आए हैं और खुलकर सपोर्ट किया एमआईएम की पार्टी को भी और इनको भी, और उम्मीद यही है कि ये भी जो है ये आसानी के साथ जीत कर जो है एएमएम का परचम लहराएंगे इस बार विधानसभा के अंदर। ये भी जीते हुए एमएम के जीते हुए कैंडिडेट में भी इनका भी नाम होगा। इसके अलावा एक और साहब है जो कि जहूराबाद गाजीपुर से शौकत अली, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वही शौकत अली है जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो मैं आपको बता दूँ कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, ये कोई दूसरे साहब है। तो कुल मिलाकर कई सारे उम्मीदवार हैं दोस्तों, और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एएमएम की तरफ से एक तरफा वोट मिल रहा है, ले रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, एएमएम की पार्टी भी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब क्या होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। बने रहिए इस वीडियो इस चैनल के साथ। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।